नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर लगाई मुहर। कोर्ट ने कटापंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को बताया सही। 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का दिया आदेश। कोरोना वायरस को लेकर योगी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। यूपी लोक स्वास्थ्य महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश पर लगाई मुहर। कोरोना वॉरियर्स पर हमले पर 6 महीने से 7 साल तक की होगी जेल। हमला करने वालों पर 50,000 से 5 लाख तक का लगेगा जुर्माना। कोरोना के मरीज ने खुद को छिपाया तो होगी 1 से 3 साल तक की सजा। जानबूझकर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने पर भी होगी जेल। यूपी सरकार ने डीजल 1 रुपए और पेट्रोल 2 रुपए किया महंगा। आज आधी रात के बाद से लागू हो जाएंगी नई दरें। यूपी में पेट्रोल डीजल के बाद शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। देसी 5 तो मीडियम प्रीमियम 20 रुपए से 400 रुपए तक हुई महंगी। सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। कोरोना और लॉकडाउन की अवधि के आकलन पर की चर्चा। मुख्यमंत्रियों से बैठक में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल का 17 मई के बाद क्या होगा और कब तक चलेगा लॉकडाउन। खाड़ी देशों से 3 लाख लोगों ने भारत लौटने का कराया पंजीकरण। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बोले सभी को लाना संभव नहीं। कम अवधि के वीजा या आपात चिकित्सा वालों को मिलेगी तरजीह। कोविड-19 संक्रमण नहीं होने का देना होगा प्रमाण पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पर जताई चिंता। का 36 में से 34 जिले प्रभावित। अभी हैं 1026 कंटेनमेंट जोन। मुंबई के प्राइवेट डॉक्टरों को करना होगा सरकारी अस्पतालों में काम। सरकार के आदेश की अवहेलना पर रद्द होगा लाइसेंस। भारत में जल्द ही कोविड-19 संक्रमण का आयुर्वेद से होगा उपचार। सकारात्मक नतीजा आने पर ICMR भी लगा सकता है मुहर। चूरू की श्री भंवरलाल दुगड़ विश्व भारती रसायनशाला ने बनाया चूर्ण। सर्व ज्वर हर चूर्ण से हर तरह के वायरस के ज्वर का होगा नाश। अमेरिका में कोविड-19 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। प्रयोगात्मक वैक्सीन का मरीजों को दिया जाएगा इंजेक्शन। हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। नायकू के साथ अवंतीपोरा में छिपे दूसरे आतंकी को भी उड़ाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। जवानों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को किया ढेर। अवंतीपोरा और पुलवामा में मंगलवार रात से चल रही थी मुठभेड़। A++ कैटेगरी के आतंकी नायकू पर था 12 लाख का इनाम। दिल्ली सरकार ने राज कर्मचारियों के DA बढ़ोतरी पर लगाई रोक। CM केजरीवाल बोले कोरोना से बढ़ गया है आर्थिक संकट। कोरोना और लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। पेट्रोल पर 10 और डीजल पर 13 रुपए बढ़ाया उत्पाद शुल्क। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने बोला हमला। का सरकार का फैसला अनुचित, इसे वापस लिया जाना चाहिए। कोरोना संकट पर 1610 करोड़ रुपए पैकेज जारी करेगी कर्नाटक सरकार। धोबी नाई और ड्राइवरों को मिलेगी 5,000 रुपए की सहायता। कर्नाटक सरकार ने भारत में निर्मित विदेशी शराब पर बढ़ाया टैक्स। का राज्य में बिकने वाले उत्पादों पर लगेगा 15% शुल्क। CM येदुरप्पा ने की मजदूरों से वापस नहीं जाने की अपील। का निर्माण कार्य हो गया शुरू, अब फिर से मिलेगा काम। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया सुझाव। का दरबार मूव प्रथा बंद कर सरकार बचा सकती है 200 करोड़ रुपए। प्रथा के तहत 6 महीने कश्मीर और 6 महीने जम्मू कश्मीर में चलती है सरकार। सर्दियों में जम्मू और गर्मियों में कश्मीर शिफ्ट हो जाता है मुख्यालय। इटली सरकार ने कोविड-19 का टीका बनाने का किया दावा। का मानव कोशिका से कोरोना वायरस किया खत्म। कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने CM योगी को लिखा पत्र। राज्य में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की उठाई मांग। मजदूरों की पिटाई के मामले में उपेंद्र कुशवाहा ने किया प्रदर्शन। का बहुत सो चुकी सरकार, अब तो जागो नीतीश कुमार। जामिया यूनिवर्सिटी की सुपर 30 क्लासेज होंगी ऑनलाइन। IAS IPS सहित अन्य की चलती है मुफ्त कोचिंग। उत्तराखंड के विधायकों का वेतन काटने की तैयारी में CM त्रिवेंद्र। विधानसभा अध्यक्ष ने 30% कटौती के लिए लिखा पत्र। बिहार में ड्यूटी से गायब मिले डॉक्टरों को जारी किया गया नोटिस। आपदा अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई, मांगा स्पष्टीकरण। बिहार में सभी स्वास्थ्य कर्मियों की 31 मई तक सारी छुट्टियां रद्द। मातृत्व अवकाश और अध्ययन अवकाश की होगी छूट। महाराष्ट्र के MLC चुनाव में 6वीं सीट जीतने की लड़ाई तेज। छोटे दलों को अपने पाले में लाने में जुटे सत्ता पक्ष और विपक्ष। झारखंड में CM हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के लिए किया ऐलान। का बिरसा हरित ग्राम योजना में श्रमिकों को दिया जाएगा रोजगार। पूर्व CM रमन सिंह ने ऑनलाइन शराब की बिक्री का किया विरोध। का छत्तीसगढ़ में शराब की जगह बेची जाए खाद्य सामग्री। मजदूरों का किराया देने के लिए पंजाब सरकार ने दी बजट को मंजूरी। का मजदूरों को भेजने पर खर्च करेंगे 35 करोड़ रुपए। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने महामारी पर जताई चिंता। का लॉकडाउन टूटने की घटनाओं से बढ़ सकता है संक्रमण। पंजाब में बीते 19 दिनों में 90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। सरकार बोली जरूरत पड़ी तो देश के हर नागरिक का भर सकते हैं पेट। राजस्थान में कृषि उत्पादों पर लगा 2% कृषक कल्याण शुल्क। व्यापारियों ने विरोध करते हुए टैक्स वापस लेने की उठाई मांग।
आईएएस रानी नागर के इस्तीफे पर मायावती ने पूछा सवाल, का केंद्र और हरियाणा सरकार ने क्यों साथ रखी चुप्पी। बिहार के जमालपुर रेलवे संस्थान को लखनऊ शिफ्ट करने का विरोध, जेडीयू नेता संजय झा ने फैसले को निरस्त करने की उठाई मांग। दिल्ली में शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी, कहा शराब की दुकानों पर टूटते लॉकडाउन से बढ़ेगी महामारी। मजदूरों की वापसी पर राजस्थान सीएम गहलोत ने पलटा फैसला, का जहां हैं वहीं रहें, सिर्फ रास्ते में फंसे लोगों को लाएंगे वापस। अधीर रंजन चौधरी ने पीएसी के चेयरमैन पद का संभाला कार्यभार, लॉकडाउन के बीच समिति का चार्ज लेने पहुंचे थे सांसद। केंद्र सरकार के निर्देश पर नेशनल हाईवे 24 पर आज से काम शुरू, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूरों को करना होगा काम। छत्तीसगढ़ के निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता पर एफआईआर दर्ज, एमजीएम ट्रस्ट में आर्थिक अनियमितता के लगे थे कई आरोप। बिजनौर में कोरोना संक्रमण से निजी चिकित्सक की हुई मौत, पत्नी और बेटा मेरठ मेडिकल कॉलेज में अभी भी भर्ती। कोरोना को लेकर कन्नौज में प्रधान ने कई स्थानों पर बांटे मास्क, लोगों को वायरस से बचाने के लिए घर में रहने का दे रहे संदेश। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।